हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती जो 2020 में आने वाली है, उसमें आपने एक पोस्ट सुनी होगी SDRF की भर्ती। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स का ये डाउट था, क्वेश्चन था कि सर जो SDRF की भर्ती है वो पुलिस में कैसे की जाएगी। आप सभी को पता है कि 1225 पद जो है इसमें इस बार की जो पुलिस भर्ती में भरे जा रहे हैं, तो क्या उसमें जो 225 पद हैं SDRF के वो किस प्रकार भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पूरे डाउट्स जो है यहाँ से क्लियर होंगे कि SDRF का काम क्या होता है, SDRF होता क्या है और किस प्रकार से इसकी सिलेक्शन जो आप इसमें जो इस बार की पुलिस भर्ती में SDRF की होगी। तो पूरा डाउट्स फ्रेंड्स, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे तो उन सभी कमेंट्स को जो है सो जवाब कर दे पाना मुश्किल था, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। इसके बाद आपका कोई भी जो डाउट जो है नहीं रहेगा, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने भी आगे क्लासेज आएंगी और भी जो वीडियोज आएंगी पुलिस के एग्जाम के लिए वो सभी आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले देखिए HP पुलिस भर्ती 2020 पोस्ट, इसमें SDRF की है और एज, सैलरी और सब कुछ बातें इसमें देखेंगे। तो उस देखिए उससे पहले तो देखते हैं एक न्यूज़। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ है कि प्रदेश सरकार भरेगी पुलिस कांस्टेबलों के 1225 पद, जो आपको वीडियो के माध्यम से हमने बताया था। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें और एक और बात थी कि देखिए यहाँ से देखिए कि जो है SDRF के भी जो पुलिस विभाग में पद 225 पद जो यहां से सृजित करने की घोषणा की गई है। तो इसी के ऊपर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, उन सभी का डाउट था कि सर ये जो पद हैं वो किस प्रकार से भरे जाएंगे, जो 225 पद हैं और SDRF होता क्या है, क्या काम है इसका। तो ये इसी से जो है आप सभी को डाउट था। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ये डाउट भी क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले SDRF की बात करेंगे तो SDRF का मतलब होता है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। तो ये आपदा से संबंधित होती है, जैसे NDRF है उसी तरह से राज्य की जो होती है वो होती है SDRF। तो इसकी जो भर्ती है 225 की, 225 के पदों की यहाँ से भर्ती है। वो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो SDRF की बात करेंगे तो ये जो पद हैं ये भरे जाते हैं जो पुलिस के पहले से जो पुलिस बटालियन से जो जवान होते हैं, जो पुलिस में ऑलरेडी जो अपनी सर्विस दे रहे होते हैं, उन्हीं को जो है अपना जो है अपनी विलिंग देनी होती है इन पोस्ट के लिए SDRF के लिए। तो उनकी यहां से तैनाती की जाती है। तो यहां से जो 1225 पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके भरे जाएंगे कॉन्स्टेबल के, जो SDRF के पद हैं 225 पद ये इसमें शामिल नहीं है। तो SDRF के पदों की बात करेंगे तो ये जो है खुद से बिलिंग देनी होती है, जो सर्विस दे रहे होते हैं जो डिपार्टमेंट में पहले से होते हैं। और SDRF की बात करें तो ये राजस्व विभाग के अधीन आता है जो ये SDRF है, परंतु इसकी जो है इसको ट्रेनिंग जो है पुलिस विभाग द्वारा दी जाती है। तो इसीलिए जो ये पद हैं ये SDRF के जो पहले से सर्विस दे रहे होते हैं उन्हीं के जो खुद बिलिंग देकर ये पद भरे जाते हैं। तो इसमें से आपका यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है 1225 पदों का। तो इसकी आप चिंता ना करें कि SDRF की आप भर्ती कैसे करेंगे, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेबल के जो पद आएंगे 1225 उसी के लिए अप्लाई करना है, और सारे के सारे पद जो हैं वो कॉन्स्टेबल पुरुष और महिलाओं के लिए हैं। वहीं से आप पुरुष महिलाएं और जो है चालक के यहां से पद भरे जाएंगे, यानी ड्राइवर के, तो वही पद यहां से भरे जाएंगे। SDRF की कोई भी अलग से भर्ती नहीं होगी, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें। तो यही फ्रेंड्स डाउट है कि SDRF का, तो SDRF का आपको बताया कि क्या है SDRF और कैसे इसकी भर्ती होगी। ये छोटी सी न्यूज़ थी कि इस प्रकार से आपकी भर्ती होगी, 1225 के 25 पद जो है आपके अलग से भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, और एक और बात जो यहाँ से आपको क्लासेस हैं, एक वीडियो जो टॉप 30 क्वेश्चन की है पुलिस के एग्ज़ाम की, वो अपलोड कर दी गई है। तो कुछ एक दिन बाद या फिर आज ही जो है आपके लिए जनरल साइंस की एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की पुलिस एग्ज़ाम के लिए वीडियोस आएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अभी से आप अपनी जो तैयारी इसके लिए शुरू कर दें, ताकि आप जो अपनी सिलेक्शन वो कन्फर्म कर सकें। और फ्रेंड्स, और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ चैनल पर पहले से हैं और कोचिंग क्लासेस जो है जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो
ये आप ज़रूर देखिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हम जो हैं क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, कोई भी पेड जो आप कोई भी पैसे लेकर हम क्लास नहीं देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जाएंगी। इसीलिए फ्रेंड्स आपका भी एक दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप आप सभी का डाउट जो है अब क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए कोचिंग होम 24 के साथ।